चलिए, कल जितनी चर्चा हुई है एक बार रिकैप कर लें, और कुछ उपलब्धि हुई हो तो कुछ शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कल की चर्चा से क्या उपलब्धि हुई एक बार देखिए। अब तक ये एक इच्छा थी कि खुद की पहचान बनाई जाए। हाँ, यहाँ भी जाते थे, खुद की पहचान बनाने की कोशिश करते थे। हाँ। अब ये इच्छा भी थोड़ी तीव्र है जा कि खुद को पहचानने की इच्छा हुई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, कितनी बात यदि शिफ्ट हो गई ना, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, और एट द एंड ऑफ द डे आपको इस बात का सुकून होगा कि मैं जिस चीज़ को पाने निकला था मैं उसको पा गया। प्रकृति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने में हमेशा आपका जो शेयर रहेगा, जैसे वो कंपनी में नहीं रहता है कि कंपनी आपका वो PF क्या होता है, आपका एक हिस्सा जमा होता है तो कंपनी भी एक हिस्सा जमा करती है। तो जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा नेचर हमारे हिस्से में जमा करती है, मतलब ये कहने का तरीका है। लेकिन ये सच्चाई है, यदि हम नेचर को समझ के चलते हैं, नेचर के साथ चलते हैं, तो अपनी पहचान की तलाश गलत नहीं है। सही अर्थों में देखेंगे तो जैसे दो मिनट आपको आपने बहुत अच्छी बात शेयर की है, और मेरे को लगता है कि इस बात पर हम सबका ध्यान ठीक से चला जाए, तो अपनी पहचान की तलाश में कोई गलती नहीं है, यश कामना गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अपनी पहचान का तरीका और यश पाने का तरीका जो हमारा हुआ, उसमें हम अंतर विरोध में बाह्य विरोध में चले गए और हमारी सारी एनर्जी उसमें न्यूट्रलाइज हो गई। तो बेसिकली मेरी अपनी पहचान को पाना है या अपने को पहचानना है? तो मेरी पहचान बाहर वाले बताएंगे या मेरी पहचान मैं स्वयं पहचानूंगा? तो कुछ करके सुखी होना है कि सुखी होके कुछ करना है? कुछ करके सुखी होना है या सुखी होकर करना है? बुद्धि की अभिव्यक्ति के लिए रूप बल धन पद साधन है या रिवोक का जूता सर पे रख के फोटो खिंचाऊंगा, है ना? ये सारे एक ही बात है। तो अभी हम बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे कपड़ों से मेरे को पहचानो, मेरी गाड़ी से मेरे को पहचानो, मेरे मकान से पहचानो, मेरे टर्नओवर से पहचानो। उसमें भी जो उपयोगी है उसका सम्मान होने की जरूरत है। यदि मैंने 1000 लोगों के लिए रोजगार क्रिएट किया है तो उसके लिए मेरा सम्मान है, उसकी मेरे को खुशी भी है। मैंने किसी नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया है, किसी नई चीज को इंस्टॉल किया है, उसकी भी खुशी है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी हमेशा खुशी बनी ही रहेगी जितनी हो सकती है। लेकिन ये बात भी बहुत क्लियर है कि जिसको हम कह रहे हैं कि अपने को बुद्धि, मेरी अभिव्यक्ति का मैं बेसिकली बुद्धि हूँ। यदि बेसिकली देखा जाए तो मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि का मतलब बोध है, बोध का मतलब जानना है, जानने का मतलब जीना है, और जीने की अभिव्यक्ति के क्रम में रूप है, शरीर है, धन है, पद है। तो रूप बल धन पद मेरी बुद्धि को व्यक्त करने का साधन है, साधन को सर पे नहीं रखा जा सकता। तो ये क्लैरिटी हमारी बनेगी। तो यश कामना का इतना ही मतलब है कि मैं मेरी उपयोगिता की मेरे वातावरण में स्वीकृति मेरी यश कामना है। मेरी उपयोगिता की, जीने के अर्थ में मेरी उपयोगिता की जो स्वीकृति है परिवार में, बाहर में, उसका नाम, परिवार में तो नहीं, बाहर की बात कर सकते हैं, समाज की बात कर सकते हैं, उसका नाम यश कामना है। तो यश कामना गलत नहीं है, अपनी पहचान की तलाश भी गलत नहीं है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है, मेरी आवश्यकता मेरी पहचान है। आज चर्चा करेंगे कि मानव शरीर को जब जीवन चलाता है तो वो स्वयं के होने को व्यक्त करता है, मैं हूँ। और मेरे होने का मतलब है, मेरे होने का मतलब है कि मुझ में समझने की ताकत है, मुझको जीने की ताकत है, मुझको दूसरों को उसको व्यक्त करने की ताकत है। जब तक मैं इस पॉइंट पे एक्सप्लोर नहीं करता हूँ तो मेरी भौतिक उपलब्धियाँ मेरी जागृति में बाधा है, उल्टा है। यदि मैं सही राह पे नहीं चला तो मेरे द्वारा कमाया गया धन मेरे को अहंकार देता है, मेरे द्वारा पाया गया पद मेरे को अहंकार देता है, और ये अहंकार मुझको जिंदगी से दूर ले जाता है, जिंदगी के पास नहीं लाता है। तो मेरी जिंदगी की सारी उपलब्धियाँ फाइनली देखेंगे तो नेगेटिव में चली गई। एट द एंड ऑफ द डे जब शरीर छूटा तो पता चला कि हाथ में कुछ आने की बजाय माइनस हो गया है।
तो सारी जिंदगी मेहनत करके हमने दुख पाया है और दुख बांटा है। तो ये अपने आप में बहुत आपने बढ़िया बात बोली कि मुझको अपनी पहचान की तलाश है या मुझको स्वयं को पहचानना है। तो मैं स्वयं को पहचानता हूँ, स्वयं को पहचान के मैं उपयोगी होता हूँ, मेरी उपयोगिता की स्वीकृति वातावरण में होती है, यही मेरे लिए यश कामना है। ये मेरी पहचान, पहचान होता ही है। अभी मेरी पहचान क्या कम है ना? या जो भी लोग किसी अच्छे आचरण के साथ समझ के जी रहे हैं, जिनको दूसरों के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है लेकिन दूसरा स्वीकारता है, तो सर्टिफिकेशन होता ही है। मैं दूसरों के सर्टिफिकेशन पर निर्भर नहीं हूँ, लेकिन मेरी प्रामाणिकता का वो क्रॉस चेक भी तो है। कोई बात ऐसी है यार, मैं ही समझूंगा, दुनिया में कोई समझेगा नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। तो यदि कोई बात मेरे लिए सुखदाई है, वो सभी के लिए सुखदाई है, तो ये पता भी तो चलेगा कि हाँ, दूसरा भी सुखी हुआ। तो ये अपने आप में बहुत शानदार पॉइंट है। आपको खूब धन्यवाद। दूसरा अभी एक लगा कि अब तक गधा बन के जिंदा था। क्या बोल दिया? गधा बन के जिंदा। गधा, हाँ। गधा का मतलब गधा बोलिए, कोल्हू का बैल बोलिए, एक ही बात। गधा का मतलब गलत धारणा। गलत धारणा, गलत धारणा। क्या बात है, क्या एक्सप्लेन किया। ग से गलत, ध से धारणा, गधा। तो अब मानव जी ने तो गधे को गाली है भाई, ऐसा नहीं। गधा बहुत मासूम होता है, आपने देखा कभी गधे का बच्चा देखा? कितना मासूम होता है। जी बोलिए। ये सिर्फ मजाक के कहा था माहौल में, कोई बाकी अब जीवन जीने की इच्छा हुई है। हाँ। मानव देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं ना, गलत नहीं बोल रहे हैं, हम बेगारी कर रहे हैं। बेगारी समझते हैं, मेहनत करी और पेमेंट ना मिले, इसका नाम बेगारी है। तो रूप बल धन पद के चक्कर में हम बेगारी करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। अपने से गए, अपनों से गए, सब से गए, लास्ट का हाल इतना है। एक मेरा व्यक्तिगत सवाल था कि ये मेरी व्यक्तिगत थी कि मेरे पास समय बहुत रहता है, 24 घंटे में से करीबन 10-12-14 घंटे में मेरी सभी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, जिसकी भी और अपने निजी घर में घरेलू काम है उनकी भी और बिजनेस काम। देखो, जिनके पास टाइम है सब मेरे साथ आ जाओ, अपना धंधा यही है, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, मिलके बढ़िया समझेंगे, बढ़िया उत्सव बनाएंगे, बढ़िया उपयोगी होके जी। नहीं, वो समय ऐसे 24 घंटे में से 10 करीबन 6-7 घंटे का समय फ्री रहता है। बहुत बढ़िया, उसको यूटिलाइज। तो उसमें यही मैं आपसे क्वेश्चन था कि खाली समय ऐसे सोने से पहले 8 घंटे नींद नहीं आती है, या फिर कुछ काम नहीं उस समय क्या करें? मैं आपको बताऊं, हमारे साथ हमारे एक मित्र हैं रायपुर में, दिनेश राठौड़, कच्छी हैं वो भी। तो 60 साल की उम्र में उन्होंने शिविर किया, और शिविर करके उनके समाज के आदमी बोलते थे कि ये बदल गया तो पूरा समाज बदल जाएगा, और लास्ट में हुआ कि वही बदला, बाकी कोई नहीं बदला। तो अब उनका रायपुर में लीडिंग होटल है, और होटल का समझ लिए कैश का पूरा काम होता है। तो 3 फ्लोर पे उनका होटल है, नीचे नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, ऊपर पार्टी वार्टी का इंतजाम है, और रायपुर की सबसे चलने वाली होटल में से एक है उनकी। अब उनको ये लग गया चस्का, यार ये तो बढ़िया चीज़ है। अब उनको धीरे से लगा, यार ये होटल वोटल सब झंझट है, बहुत पैसा है, अब और क्या करूँगा कमा के। तो मैंने, अच्छा ऐसा कुछ भी समाज में होता है तो समाज में एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, ऐसी बात को समझने से लोग अपना काम छोड़ते हैं, और परिवार में भी पत्नी को स्वीकार होता नहीं है, फैमिली को स्वीकार होता नहीं। तो मैंने उनको कहा कि देखो, तुम ऐसा करो, तुम अपने होटल में ही, अच्छा होटल में उनका कैश काउंटर नीचे है, ऊपर में ऑफिस है, और वो नॉर्मली ऑफिस में भी ज़्यादा बैठते हैं, नीचे कोई और देखता है। तो अपने ऑफिस को तुम अध्ययन केंद्र बना लो। उस समय ये यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करता था, वो DVD CD है ना, गोल वाली, वो सब चलता था। उन्होंने बढ़िया अपना ऑफिस में TV लगाया, ऑफिस में अपना DVD सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया, बुक्स इकट्ठी कर ली, और बढ़िया अपने ऑफिस में सबको बता दिया, देखो मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे को बस बैठना भर होता है, बाकी सब अपने आप चलता है, और मैं अध्ययन करूँगा, जिसको मन है मेरे पास आ जाना। तो जिसको, उनकी होटल की जगह भी ऐसी है जो पूरे शहर का केंद्र है, तो जिसको मन है उनके पास जाके बैठ जाता है, वो बढ़िया अपना अध्ययन करते हैं। इस बीच में संयोग ऐसा रहा, उनकी वाइफ चली गई। एक वाइफ का जाना 60 के बाद एक झटका होता है, लेकिन उन्होंने उसको कितने बढ़िया से निकाला, और सुबह सुबह वो योग करते हैं, सिखाते भी हैं। तो उस आदमी की उम्र मेरे लगता है शायद, हो सकता है 80 के आसपास, 80 को छू रहे होंगे, 76 के आसपास होंगे।
तो एक आदमी के जीवन में कितनी खुशहाली हो सकती है अपने आप में, सारी विपरीत परिस्थितियां जो भी संसारिक बोलते हैं, जो भी कर्म के बावजूद, तो हम जहां हैं उसी को अध्ययन केंद्र बनाए। तो इतना आपका पकड़ बन जाए तो 2-5 शिविर लगातार आगे पीछे जब भी मौका मिलता है कर लें। जितने मित्रों का अलग 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 लोगों को सुनने से कंटेंट अलग अलग कैसे खुलता है, इस पर भी हमारा ध्यान जाता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। YouTube पे भी काफ़ी मटेरियल रखा है। आजकल अच्छी बात यह है कि बहुत मटेरियल, यदि आपको चलना है तो आपके घर में ही सब इंतजाम है एक लेवल तक का। देखिए, आमने सामने का कोई विकल्प है नहीं, जो ये माहौल बनता है ना YouTube में, ये माहौल नहीं बनता। जब कोई एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा होता है, उसके साथ में डिबेट चल रही होती है, जब कोई एक व्यक्ति कोई आंसर कर रहा होता है, तो उससे जो वातावरण हमारे मन के भीतर बनता है, हमारा बड़ा उत्साह बनता है। इस उत्साह को हम YouTube पे बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम से कम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, है ना। तो सस्टेन करने के लिए YouTube में आजकल सारी बुक्स से लेके शिविर से लेके अध्ययन शिविर से लेके सब कुछ पड़ा है। तो जब जब अपने को लगता है कि अपने पास घर में टाइम है, 2-5 घंटे रोज लगाइए, सुनना आप सुन सकते हैं, सुनते सुनते लगे कि आप बहुत सुन लिया, पढ़ सकते हैं, पढ़ते पढ़ते लगे कि बहुत पढ़ लिया, किसी से कोई प्रॉब्लम को लेके चर्चा कर सकते हैं, घर में छोटे मोटे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जो जो समझ में आएगा, अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने का मन करता है, तो कभी विचार में परिवर्तन है, कभी व्यवहार में परिवर्तन है, कभी घर में कुछ काम में हाथ बटाना है, अभी तो हमको लगता है, तो अलग अलग तरीके से आप अपने लिए अपनी दुनिया सजा लेते हैं, तो आपके पास कोई समय खाली नहीं रहेगा, सारे समय का बढ़िया सदुपयोग होगा। 50 के बाद आदमी का सामाजिक होना उसके खुद खुश रहने के लिए उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वाकई में घर में आपकी भूमिका नहीं रहती है। और मैं इस बात के लिए गुजरात को अप्रिशिएट करूंगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो 50 के बाद अपना बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं और किन्हीं सामाजिक कार्यों में फुल टाइम या पार्शियली अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक अच्छी परंपरा है। तो मेरे को लगता है कि 10-15 साल बाद, 20 साल बाद अपने जाने का समय भी आएगा, तो उसकी भी कोई तैयारी हमारी हो। हर घटना बिना तैयारी के फेस करना पड़े, उसमें रोना गाना पड़े, ये अच्छी स्थिति नहीं है। हम सबको पता है कि एक दिन शरीर छूटेगा, तो शरीर छूटेगा तो मेरी क्या तैयारी है उसके लिए। तो यदि आगे तक ऐसे सोच के चलेंगे, बहुत कुछ दुनिया में अच्छा पढ़ने लिखने को है, मैं ये भी नहीं कह रहा केवल आप जीवन विद्या ही पढ़ो, समाज में बहुत कुछ अच्छा अपना देखो, किसी बुक की दुकान पे जाओ, अपने टेस्ट की बुक लेके आओ, उसको पढ़ो, कुछ भी करो, बढ़िया, तो अपनी जिंदगी को हम बेहतर बना सकते हैं। इतना ही कहूंगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब बढ़िया, आपको धन्यवाद। पीछे बिटिया को माइक दीजिए। सर, मुझे कल एक बात और पता चली कि जब तक कोई चीज हमारे पास नहीं होती वो हमारे लिए आकर्षण है, और जब हमारे पास आ जाती है तो वो हमें सामान्य हो जाती है, भौतिक चीजें। हाँ, भौतिक चीजें सामान्य हो जाती है। कल मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो मुझे एप्पल वॉच का बहुत शौक था, स्मार्ट वॉच, तो अब मुझे पता चला कि जब तक वो मेरे पास नहीं है तो वो मेरे लिए आकर्षण है, और जिस दिन वो मेरे पास आ जाएगी तो मैं सामान्य रूप से उसे ले लूँगी, और वो हमें अच्छा ही लगाएगी, वो हमें सुख नहीं दे पाएगी। तो अब पता चला कि जो है उससे खुश रहो, दूसरी चीज़ें। शानदार, बहुत बढ़िया, खूब खुश रहो। हाँ जी, कल एक चीज़ जानने मिली कि शरीर मतलब हम है, शरीर व्हीकल है, मतलब हम शरीर के मालिक हैं। तो ऐसे ही एग्जांपल घर के लिए भी वो जानने मिलता है, जब से घर बड़ा हुआ है तो मैं देखता हूँ काम वाले के पीछे ज़्यादा टाइम जा रहा है, साफ सफाई करने में टाइम, तो ध्यान से देखते हैं हम मकान के मालिक हैं या धीरे धीरे मकान हमारा मालिक हो रहा है, हम नौकर हो रहे हैं। भाई साफ बढ़िया मकान हमको बोलता है, चल साफ कर, मकान चमका के रखेंगे, मन गंदा रखेंगे। उसके लिए समय ज़्यादा जा रहा है, ऑफ कोर्स खुद के लिए समय कम हो रहा है, वही गड़बड़ हो रही है, मतलब वो चीज कनेक्ट कर पाया हमें, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, एक लेवल के ज्यादा मकान होने से मकान अपनी सेवा आपसे कराएगा, तो मकान उतना बड़ा बनाया जाए, उतना बड़ा लिया जाए जो अपनी सेवा हमसे ना कराए, वो हमारी सेवा के लिए है। जी, गुड मॉर्निंग। कल मैं, हम वृंदावन के नजदीक है मथुरा में, तो वहाँ संत महात्माओं का संगम ज्यादा रहता है, राधे राधे और ये श्री कृष्णा भागवत पुराण पुराण ये चलती रहती है। तो हमें एक क्वेश्चन मिलता था जगह जगह, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसका उत्तर पूछते थे, लेकिन उत्तर बताते कोई नहीं था।
प्रश्न ही प्रश्न करते थे जी। उसका उत्तर आज यहाँ मिला है इस शिविर में कि मैं कौन हूँ। नहीं तो हम शरीर को मैं ही समझते थे, आत्मा पकड़ में आता नहीं ना। देखिए जो दर्द है ना, कि देखिए परंपरा का ये तो सम्मान है कि उसने प्रश्न उठा दिए, उसने बता दिया यार कोई चीज़ तो है, लेकिन आत्मा बोलने से हमको पकड़ में नहीं आ रहा है कि हम क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ है वो, आँख में है, नाक में है, खोपड़ी में है, कहाँ है, कोई चीज़ है तो कहीं तो होगी। तो हम बहुत क्लियरली, लेकिन जब हम जीवन को जिस तरह से परिभाषित कर रहे हैं और जिस तरह से हमको ये समझ में आ रहा है, तो हमको खूब पता चलता है कि मेरी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं में मैं उसको देख सकता हूँ। तो आवश्यकताओं के ढंग से हम उसको पकड़ सकते हैं, क्रियाओं के ढंग से हम उसको पकड़ सकते हैं, चाहनाओं के रूप में उसको पकड़ सकते हैं। जितना क्लियरली शरीर को पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा क्लियरली हम स्वयं को पहचान सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के बाद। तो हमको बिल्कुल साक्षात, अभी हम इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट जैसी कुछ चीज़ें बोलते हैं कि जो कि हमारा दृश्य नहीं है। देखो दृश्य का साक्षात का क्या मतलब है, हमारा सारा धन किसके लिए समर्पित होता है, भाव के लिए, परिवार मतलब भाव के लिए। तो भाव ज़्यादा साक्षात चीज है कि हमारे लिए वस्तु ज़्यादा साक्षात है, भाव ज़्यादा साक्षात चीज। आखिर सारा पैसा आप क्या चीज़ के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, सम्मान पाने के लिए, सुविधा पाने के लिए, इतना हाईमरी करने की जरूरत थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं सम्मान अटक गया है, तो सम्मान हमारे लिए ज़्यादा साक्षात्कार है, ज़्यादा साक्षात है कि वस्तु ज़्यादा साक्षात है, सम्मान ज़्यादा साक्षात। सम्मान हमारे लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव चीज है। हाँ, हमको लगता है जो आंख से दिखे वही साक्षात है, आंख से तो हवा भी नहीं दिखती है ना, और आंख से तो कुछ भी नहीं दिखता है। कल समझ में आ गया, कल समझ में आया कि नहीं आया, आंख से कुछ नहीं दिखता है। मैं देखने वाला हूँ, यदि मैं देखने वाला नहीं हूँ तो आंख से कुछ भी नहीं दिखता है, आंख मात्र एक लेंस है, देखने वाला मैं ही हूँ। ये जो देखने वाला है इसको भी मैं ही देख सकता हूँ, मैं देखने वाला हूँ इसको भी मैं ही देखता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं ही पहचानता हूँ। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है हमारी क्लैरिटी और बनेगी, अभी मात्र शुरुआत है। फाइनली बुक्स में जाके आपको पता चलता है कि शिविर कितना हल्की चीज़ थी, अभी शिविर से आप कितना रोमांचित होते हो, लेकिन फाइनली जब आप बुक्स में जाते हो तो आपको पता चलता है कि शिविर कितना हल्का चीज़ है, कितनी ऊपर की सूचना है। और जब बुक्स में जाएंगे तो कितना हमको गहरी चीज़ें मिलती हैं और उसमें कैसा हमको खुशी होती है। हाँ, उसको पढ़ने की हमारी योग्यता बन जाए इसके लिए शिविर। बढ़िया, धन्यवाद। ये एक बड़ा एहसास मेरे भीतर हुआ, मैं एक अभी बहुत सारे शब्द सोच रहा था, तो लगा कि अभी जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेरा, मैं एक सीडी होती है ना, सीडी के रूप में जी, जो भी कभी कोई विवाद हुआ, कभी कोई तनाव हुआ, और उस पे एक समझौते के दौर में गए, मैंने कहा अच्छा आपसे ऐसा करूंगा हूँ, तो बेटी बोलेगी ये तो तुम पहले भी बोल चुके हो, हमारा सॉरी भी घिस गया है जी, सब घिस गया। तो सब लोग मतलब जो भी मित्र संबंधी परिचित, तो धीरे धीरे मैं एकदम भीतर ही भीतर चुप्पी में चला जा रहा था कि कई बार अभी क्या कुछ तनाव हुआ, विवाद हुआ, तो सब लोगों ने कहा बोलो बोलो, मैं चुप हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास बोलने के लिए नया तो कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये लगा मुझे कि योग्यता और हम उसकी अभिव्यक्ति की जो बात कर रहे हैं, सूचना आई, सूचना मैंने स्टोर की सीडी के रूप में, लेकिन वो मेरी योग्यताओं में परिवर्तित हुई नहीं, तो अभिव्यक्त मैं कर नहीं पाया। वही योग्यताओं में अभिव्यक्त, योग्यताओं में परिणत नहीं हुई, वो मेरी क्षमता के रूप में परिणत नहीं हुई, तो उसको बोलने से भी बेईमानी जैसा लगता है जी, जी। और सुनने वाले को भी उसमें कोई मजा नहीं आता। इसलिए जो तुमने कहा था कि पुराना हो जाएगा, ये यदि मेमोरी में रहेगा तो पुराना हो ही जाएगा, मेमोरी में हर चीज पुरानी होती है, लेकिन यदि वो जीने का एहसास बन गया तो हर क्षण नया है, फिर तो उसमें कभी पुरानापन नहीं होगा। तो यदि कोई चीज हमारे आचरण में ट्रांसलेट होती है, समझने में ट्रांसलेट होती है, तो फिर बात अलग होगी। बहुत बढ़िया। देखिए जो आप कह रहे हैं ना, ये स्थिति हर घर में बनती है, हर घर में बनती है, और आप पाएंगे उम्र बढ़ने के साथ साथ पति पत्नी में संवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। सबसे ज्यादा संवाद पति पत्नी में जब होता है जब शादी नहीं होती है और दोनों एक दूसरे से फोन से बात करते हैं, सबसे ज्यादा संवाद तब करते हैं।
इससे अच्छा है कि शादी ना करो, फोन से ही बात करते रहो। एक तरीका ये भी, आजकल ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। फिर शादी हो जाती है तो रोजमर्रा में फिर मिल गया, जो आकर्षण था मिलने का, उस मिलने के आकर्षण में बातचीत हो रही होती है। मिलेंगे तो क्या खुशी होगी, जब तक वहां भी वही है। यदि शरीर के आकर्षण तक सीमित है तो जब तक नहीं मिले तब तक मिलने की खुशी है। मिल गए तो क्या किए, खाना था, मिलेगा मिलेगा, भूख लग रही थी, खा लिया तो भूख शांत हो गई, अब क्या करना है, तो वही पुरानापन फिर आ जाता है। यदि शरीर के साथ जी रहे हैं तो पुरानापन आ ही जाएगा, और यदि जीवन के साथ जी रहे हैं, जीने की जगह में हैं, तो हर दिन और बेहतर जीने की कामनाएं, कल्पनाएं, योजनाएं, प्रयास, हर दिन और बेहतर जीना, हर दिन और बेहतर जीने की योजना बनाना, मिलजुल के उसको एग्जीक्यूट करना, हर दिन हमारे लिए नया है, हर दिन ऊंची उड़ान बढ़ने का अवसर है। तब हमारे लिए आगे करने के लिए कुछ काम है, नहीं तो शरीर भोगने का काम बहुत छोटा है, जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ जी सोम भाई, कल आपने बताया था कि प्रकृति ने पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था और प्राण अवस्था तैयार करने में लाखों साल लगाए हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा बेटा यहाँ पे आएगा। जो यही चीज़ है कि कल मेरा जो कुछ खुद का फीलिंग रहा कि जैसे भी हम शाम को या सवेरे घूमने जाते हैं तो सिर्फ पक्षी आवाज़ करते हैं या वृक्षों को देखकर सिर्फ आनंद लगता था, लेकिन कल ऐसा लगा शाम को बैठते वक्त कि यार प्रकृति ने मेरे सपोर्ट के लिए सब बनाया है, सब मेरे लिए किया है। तो वो जो आप पेट्रोल वाला एग्जांपल दिया था वो भी कल आया कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए प्रकृति ने मुझको दिया है गिफ्ट के रूप में। और एक समझ में आया कल फीलिंग हुआ, और दूसरा काफ़ी सारे मेरे बुक पढ़ने में आया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मानने जो जानने से मुझे सब कुछ मैं सब कुछ जान जाऊंगा, ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो समझने से मैं सब कुछ समझ लूंगा। तो ये मेरी आज एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं समझने के बाद मैं सब कुछ समझ लूंगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुखद, हाँ जी बताइए। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। कल का दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मुझे जो समझ में आ रहा है कि पहले दिन की बेसिक्स दूसरे दिन को समझने में ज़्यादा हेल्प कर रही है, दूसरे तीसरे दिन की चौथे दिन में ज़्यादा हेल्प कर रही है, तो पूरा बेसिक क्लियर हो रहा है, तो उसके बाद ऊपर कॉन्सेप्ट बढ़िया से बिल्ड हो रहे हैं। कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये जान करके कि प्रकृति ने जो बनाया है, ताजमहल देखते हैं इतना खुश होते हैं, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जैसे एग्जाम्पल दिया, तो यूनिवर्स ने इतनी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इतना प्यारा क्रिएशन भर रखा है। और जब आपने बताया कि ब्रेन कैसे एक स्थूल को और सूक्ष्म को और उसके ऊपर एक अलग ही दुनिया एग्जिस्ट करती है, उसको कनेक्ट करता है, तो मिरेकल्स ऑफ द नेचर जानने की इच्छा हुई। मैंने कहा जो न्यूरोलॉजी पढ़ते होंगे, बायोलॉजी पढ़ते होंगे, वो लोग कम से कम फिजिकल भी पढ़ के अगर क्वेश्चन तो आता हो यार इतना प्यारा बना कैसे है, मतलब क्या हो रहा है, इतने से डीएनए के अंदर इतनी सूक्ष्म लेवल पर, या इतने सूक्ष्म नहीं कहूंगा, इतने माइक्रो लेवल नैनो लेवल पर कोडिंग चली हुई है बताओ, और हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था कि प्रकृति के अगर जो रहस्य जो है अंदर जो है बहुत सारी चीजें बहुत खूबसूरती से उसने उसको बनाया है, और उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आपसे जो बात हुई उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है, और आपके साथ साथ सभा का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पर भी और यहाँ से निकलने के बावजूद भी, जैसे कल बिनू भाई से बात हो रही थी, विनोद भाई से बात हो रही थी, और मेरे रूम में भी प्रतीक भाई, कौशिक भाई, सब लोगों से चर्चा होती रहती है, तो यहाँ से जो सवाल जो भी निकलते हैं उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा यहाँ से निकलने के बाहर भी होती है, और उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो भाई कल मेरे को एकदम इतना कृतज्ञता फील हो रही थी, आपके लिए तो हो ही रही थी, साथियों के लिए भी, क्योंकि जैसे भाई अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मजा ही मजा आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है। और सुबह बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट मिला, एक माता जी आई सुबह और मेरे को आके बोलती है कि बेटा इधर आओ, और मेरे मुंह पे हाथ करके बोलती है मैंने शादी नहीं की, अगर करती तो तुम्हारे जैसा बेटा चाहती। मतलब ये इतना प्यार कहाँ मिलेगा ये बताओ ना। मैंने बोल दिया कि मेरी माँ 2011 में चली गई, तो आपको बेटा मिल जाएगा, मुझे माँ मिल जाएगा, इसके लिए ऐसा होता होता क्या है, हैं आप माँ और मैं बेटा, खत्म। तो इतना प्यार मिल रहा है, इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है, अंदर से ज्ञान की पूर्ति भी हो रही है, और इतने प्यारे लोग हैं। तो आपके साथ साथ आप इस माध्यम में, और विनू भाई और जितने लोग भी माध्यम बने हैं, इस जीवन विद्या के पूरे शिविर के हर एक तंतु के लिए हृदय से बहुत बहुत अनंत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।
आप सभी भी इस उसको पाए, इसके लिए आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं भैया। ये अभी ऐसा माहौल दिख रहा है, वो थ्री इडियट्स में एक डायलॉग है वो मुझे याद आ गया, जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। आमिर खान जैसे उस ज्ञान के लिए स्कूल की क्या जरूरत है, हर जगह ज्ञान बढ़ रहा है, अभी ऐसा माहौल फील हो रहा है। वही जो मैंने इन्हों की बात पे जो मैंने कहा, देखो ये तो हर ड्राइंग रूम में होने की बात है। हर घर के ड्राइंग रूम में हम बैठ के अपने परिवार सहित पड़ोसी के साथ ये चर्चाएं करें, अभी भी वैसे भी करते ही हैं चर्चाएं, तो अभी चुगली चुगली हो जाती है ना, तो हम चर्चाएं तो अभी भी होती है, अभी चर्चाएं कहीं और चली जाती, तो सही अर्थों में हमारे मोहल्ले में ही सब कुछ हो जाए तो ना हमको 8 दिन के लिए घर छोड़ के आना पड़ेगा, ना हमको अलग से कुछ सोचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे देखते हैं आप में से कितने लोगों में ऐसा जज्बा आता है कि हाँ इस बात को पूरा समझना है, आर पार करना है और मुझको अपने मोहल्ले में ही एक दीपक जलाना है। हर मोहल्ले में ये दीपक जल जाएगा, हर घर में जल जाएगा, तो आने वाले बच्चों के लिए जला हुआ दीपक मिलेगा। अभी बच्चे पैदा होते हैं तब हम ढूंढ रहे हैं कि अब बच्चे को क्या देना है, तब कुछ नहीं होने वाला, प्यास लगेगी और कुआं खोदेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले से कुआं है, साफ पानी है, तो प्यास लगी है तो प्यास बुझा सकते हैं। तो अपने परिवार में जो हम सबकी और आने वाले बच्चों की ज्ञान की प्यास के रूप में कुछ बुझाना है तो उसके पहले कुआं पहले से बना के रखना होगा। मोहल्ले में एक कुआं भी बन जाएगा तो बाकी लोग का काम अभी चल जाएगा। हाँ जी बढ़िया, आगे बढ़े भाई। ये गीता में कभी माइक माइक नहीं स्वामी, गीता कई बार पढ़ी है लेकिन समझ में, आपने जब कहा ना मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो पहली बार समझ में आया कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगा कि ये आप कृष्ण के भाव में और हम सब अर्जुन बन के बैठे हैं, तो आप भी कृष्ण बन जाओ अर्जुन की पात्रता आ जाएगी तो भी हो जाएगा भैया, सबकी मानव रूप में जन्म लिया है तो पात्रता है ही, अलग से कुछ नहीं करना है, केवल कंटेंट उपलब्ध हो गया उस पर ध्यान देने की बात है, वो हम देते ही हैं, आप दे ही रहे हो। देखिए मैंने आज तक कोई शिविर नहीं देखा, मैंने अब तो गिनती गिनना छोड़ दिया, हो सकता है मैंने 300 शिविर किए होंगे, 400 शिविर किए होंगे 8-8 दिन के, लेकिन इतने शिविरों में आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको मजा नहीं आया हो। ये बात अलग है, किसी को फर्स्ट डे क्लिक होता है, किसी को सेकेंड डे क्लिक होता है, कोई कोई 5 दिन तक भी रुका रहता है, तो हमारा क्लिक पॉइंट अलग अलग हो सकता है क्योंकि हमारी जर्नी अलग अलग है, लेकिन ऐसा एक भी आदमी आज तक नहीं मिला जो 7 दिन बैठ के कह के चला जाए कि नहीं मजा नहीं आया। तो ये हम सबकी चीज है, इसलिए हम सबको लगेगा। बढ़िया, धन्यवाद भाई। कल हम जब सोच रहे थे कि भाई एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई ये जो जहाज की बात चल रही थी कि जहाज कहाँ जा रहा है, तो फिर बोलता है कि भाई जहाज मतलब जो इवोल्व होके कोई एक जगह पे तो जाएंगे, मतलब तो फिर मैं वहाँ पे हूँ, मैं भी जर्नी करना हूँ कर रहा हूँ, तो फिर ये विकास के लिए मेरी कर्म प्रेरणा क्या रहेगी? तो फिर मुझे मालूम है कि एक दिन मुझे भी मुझे जो जानना है वो मुझे मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं फिर अलग से मतलब जोर लगा के इतना प्रयास करने की आवश्यकता है? ऐसा नहीं बोला, रीढ़ की हड्डी से 2.5 क्विंटल पसीना निकलेगा तब मिलेगा। कर्म प्रेरणा तो फिर उसका क्या होगा? किसका कर्म प्रेरणा? क्योंकि अभी कर्म प्रेरणा, हाँ वो क्या होता है, जो कर्म करने की मुझे जो प्रेरणा जहाँ से मिलती है, चलो भाई तो प्रेरणा है। देखिए इतना ही मतलब है कि कोई पॉइंट के बाद जैसे आपका मन लग जाता है कोई भी चीज में, आप इससे प्यार कर लेते हो आपका मन लग जाता है तो 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हो। आप कोई बिजनेस कर लेते हो आपका मन बिजनेस में लग जाता है, 24 घंटे बिजनेस के बारे में सोच लेते हो, तो जिस चीज के बारे आप 24 घंटे मिलते हो और सोचते हो वही पाते हो। और ये 24 घंटे जब सोचते हैं तो उसके लिए जो मेहनत होनी है हो ही जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा कि मेडिकल साइंस करूंगा कि एग्रीकल्चर करूंगा कि जूता बनाऊंगा कि कॉफी बनाऊंगा कि शर्ट बनाऊंगा, इसमें ऑप्शन हो सकते हैं। सब कुछ मैं नहीं बनाऊंगा, सब कुछ मैं नहीं सीखूंगा, संभव भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं, लेकिन भाव और विचार स्टेबल हो ये तो हम सबकी जरूरत है। तो मेरी भाव और विचार की स्टेबिलिटी के लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, और वो मेहनत शुरू में तो मेहनत ही होती है। कोई भी चीज़ जब नया सीखते हैं तो शुरू में हमारा मन वैसा उतना गहरा नहीं घुसता है, चाहे साइकिल सीखते हैं कि कार सीखते हैं,
दबाव सा रहता है, एक पॉइंट के बाद हमारा अधिकार बन जाता है, उसके बाद वो गाड़ी आगे चलती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि अपने आप हो जाने वाला काम है, अपने आप नहीं होगा, हाँ आपके निर्णय से ही होगा, लेकिन कोई पॉइंट के बाद वातावरण की महिमा से या अपने पुण्यवश हमारे भीतर वो प्यास जग जाती है, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है तो आपको दिख जाता है कि इसकी औकात इतनी थी, पैसे की औकात इतनी है, घूमने फिरने की औकात इतनी है, वो गलत ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी आपको हैसियत दिख जाती है, तो वहाँ से आगे चलने की आवश्यकता बन जाती है और आप चलते हो। अभी भी जो कुछ पाया है मेहनत करके ही पाया है, चाहे एजुकेशन हमने किया, चाहे हमने जॉब किया, चाहे बिजनेस किया, कि घर बनाया, मतलब पुण्यवशात कभी ऐसा हमें क्लिक हो जाता है, मतलब पुण्य क्या चीज है, पुण्य अपना ही किया हुआ मेहनत है, कोई ऊपर से नहीं टपक गया, और अभी भी जो अपना किया हुआ मेहनत है उसमें सबका सहयोग होता ही है, तो एकांगी कुछ नहीं होता है, अकेला कुछ नहीं होता है, जो भी होता है कोएग्जिस्टेंस में होता है, तो हम सारे को एक साथ देख सकें, अपना पुरुषार्थ भी देख सकें, सबका सहयोग भी देख सकें और उसके रिजल्ट भी देख सकें। ओके, तो ये मतलब पूरी मानव इकाई है, मतलब तो उनमें जितने भी जो मैं हैं उनको सभी एक ना एक दिन मतलब अपने जीवन यात्रा में हर एक को एक दिन, हो सकता है कोई 500 शरीर यात्रा बाद पहुंचेगा, कोई 100 शरीर यात्रा बाद पहुंचेगा, कोई इसी साल पहुंचने वाला होगा, टाइम हम नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ टाइम मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन पहुँचना सबको है, ये बात ठीक है। फिर वहाँ पहुँच जाने के बाद फिर आगे कुछ नहीं है, यही तो वही तो उससे कहाँ गया पीछे वाला, चला जाता है, घुमंतु प्राणी है वो, अच्छा है। इसका मतलब यही है कि एक लेवल तक जो इससे कहा कि कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, एग्जिस्टेंस में जो भी रियलिटी है वो मेरे अनुभव में आ जाए, फाइनली आ जाए, अल्टीमेट आ जाए, वो हुआ तो मैं मानव हुआ, उसके पहले मानव होने का प्रयास है। अब वो हुआ और अभी भी मैं कोई प्रयास करता ही हूँ पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, अभी उसमें रोज प्रॉब्लम आती है, उसके बाद मेरा प्रमाणीकरण शुरू हो जाता है, मैं जो समझता हूँ वो ऑथेंटिक है क्योंकि मैंने अस्तित्व को आर पार देखा है, फिर मेरा बोलना ऑथेंटिक है, मेरा जीना ऑथेंटिक है, मेरा व्यवहार ऑथेंटिक है, तो मेरी उपयोगिता के साथ में जीना मल्टी शुरू करता हूँ। अब मेरी उपयोगिता के साथ में जीना शुरू करता हूँ तो मेरी उपयोगिता परिवार में प्रमाणित होती है, समाज में प्रमाणित होती है, राज्य में प्रमाणित होती है, देश में प्रमाणित होती है, धरती पर प्रमाणित होती है, एक प्लेनेट पे होती है और अनंत प्लेनेट पे होती है, अब जाओ कहाँ तक जाओगे, है ना, इतना विस्तार है, और उस सारे विस्तार में आदमी और खुश होता है और सीखता है और खुश होता है और सीखता है, अनंत यात्रा, उस अनंत यात्रा पे निकल के तो देखें, अभी तो खाखरा फाफरा ढोकला में बढ़ जाते हैं। बढ़िया, कल जो जाति की बात आई थी तो उसमें ये था कि शरीर की मौलिकता, मतलब शरीर के होने का पर्पस वो हमारी जाति है, और पहले जब आई थी तब वो डेवलप्ड ब्रेन के हिसाब से आई थी, मतलब हमारी जाति मतलब डेवलप्ड ब्रेन है लास्ट टाइम में, तो मैं ना इस दोनों को कनेक्ट, हाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है कि जाति के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिंदा रहने के धरातल पर हमने अपने व्यवसाय को जाति के रूप में पहचाना, ठीक हो गया, जीने के धरातल पर हम शरीर के पर्पस के आधार पर जाति पहचान रहे हैं, तो शरीर का पर्पस समझ में आया कि मेरी जागृति के लिए शरीर साधन है, और धरती के सभी शरीर जागृति के लिए समान रूप से सक्षम साधन है, इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये कहा होगा कि सभी मानव में ब्रेन समान रूप से डेवलप्ड है, ये ब्रेन का, ब्रेन की दवाइयों का जितना बड़ा बाजार है, बच्चे की मेमोरी ठीक नहीं है तो उसको कोई ब्रेन की दवाई दिला दो, अधिकांश ये मामला मेमोरी का नहीं होता है, मामला बच्चे के ध्यान न देने का होता है, जो जिसको मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ वो मैं याद रखता हूँ, जिसको मैं इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ मैं याद नहीं रखता हूँ, तो ये कहा होगा कि धरती के सभी मानव में जहाँ तक शरीर का सवाल है, जहाँ तक ब्रेन का सवाल है, वो इक्वली डेवलप्ड हैं, उसमें और किसी डेवलपमेंट की आवश्यकता अब नहीं है, तो हमारा साधन डेवलप्ड है, मुझको डेवलप होना है, मुझको समझने के लिए ध्यान देना है, ब्रेन में कोई कमी नहीं है, मेरे ध्यान ना देने की कमी है, मेरा ध्यान अभी
खाने पीने की चीजों में है या शरीर के साथ लगा हुआ है, इसलिए एग्जिस्टेंस और मेरा होना मुझको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मेरी तो इवोल्यूशन की जहां तक बात करेंगे तो शरीर का जो इवोल्यूशन होना था वो हो गया, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से किसी ने जागृति को प्रमाणित कर दिया। इसका मतलब है कि शरीर अब और इवॉल्व नहीं होगा, अब जीवन को इवॉल्व होना है। जीवन को इवॉल्व होना है का मतलब है जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, आहार निद्रा भय प्रजनन में जीते हैं, इसका नाम जीव चेतना है। स्वयं को मानव रूप में पहचानते हैं तो धीरता वीरता उदारता दया करुणा करुणा के स्वरूप में जीते हैं, इसका नाम मानव चेतना। तो संवेदनहीनता या संज्ञान संवेदनशीलता के साथ साथ हम संज्ञानशीलता को पा लेते हैं तो शरीर उसके लिए इक्वली सक्षम है, इसलिए मानव जाति एक है। मानव का लक्ष्य एक है इसलिए मानव की मौलिकता भी एक है। इसको आगे जब अध्ययन में जाएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, कंफ्यूजन नहीं। ये कहा जा रहा है कि शरीर सबका समान है, सिंपल बात है, इसमें मेल फीमेल का भी अंतर नहीं है। समझने के लिए मेल फीमेल शरीर में कोई अंतर नहीं, मेल फीमेल शरीर का इतना ही अंतर है कि शरीर बनने की प्रक्रिया के लिए मेल और फीमेल शरीर के होने का प्रयोजन है। तो धरती के सभी शरीर समान हैं समझने की दृष्टि से। और ये जो समानता है वही डेवलप्ड ब्रेन हिसाब से आपने उस समानता, जब सभी शरीर समान है तो उसका मतलब सभी का ब्रेन इक्वली डेवलप्ड है, तो ब्रेन में कुछ नहीं होना है। अब ब्रेन को मैं यूज ही नहीं कर रहा, मेरी गाड़ी एकदम बढ़िया है, अब मैं गाड़ी यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो कहाँ पहुंचूंगा। मैं रोज जाता हूँ आइसक्रीम खा के आ जाता हूँ, और गाड़ी थी कहीं पहुंचने के लिए, तो मेरी क्लैरिटी में नहीं है कि गाड़ी लेके जाना कहाँ है। तो गाड़ी अंडर यूज्ड, सुपर कंप्यूटर ले रखा है, उस पर मैं गेम्स खेलता हूँ बस। ये कल एक चीज और जो बहुत समझ में आई, वो अभी तक हम ये समझते थे कि मेरा कैरियर जो है वो वही मेरी उपयोगिता है, मैं कहीं पहुंच पाऊं, पर वो समझ में आया कि कैरियर जो है उसको तो मैं एक तरीके से उसमें मुझे क्या मिलेगा मैं वही ढूंढता रहता था। मेरा कैरियर मेरी गरीबी की मानसिकता, पर अभी उपयोगी होने से ये पता चला कि मैं क्या दे पाऊंगा समाज को, उपयोगी होना समझ आया। देखिए मैंने पहले भी कहा है फिर से कह रहा हूँ, जब मैं देने के मोड में आता हूँ तो मेरे पास जो अक्षय बल शक्ति है उसका उपयोग सुनिश्चित होने लगता है। लेने की जगह में मेरा मामला ही बहुत छोटा है और वो प्रकृति विरोधी है। पूरी प्रकृति में देखें तो लेने का विज्ञान है कि देने का विज्ञान है, जीने देना ही जीना है। पूरी नेचर में देखेंगे तो जीने देना ही जीना है। तो जब भी मैं जीने देने के स्वरूप में आता हूँ, मैं उपयोगिता के स्वरूप में आता हूँ, तो वहाँ मेरी अक्षय बल शक्ति में एंकर डल जाता है। वहाँ से वो अक्षय बल शक्ति पुल होना शुरू होती है तो मेरा विकास होता है, तो मैं सही अर्थों में है ना इवॉल्व करता हूँ, नहीं तो मैं छोटा होते जाता हूँ। आप देखो ना सारे प्रयास, दूसरों उससे आगे निकलना है उससे आगे निकलना है, ये बहुत गरीब आदमी है बहुत छोटा आदमी है। तो दूसरों से आगे निकलना है ये आदमी पेट पाल सकता है, इससे कुछ नहीं करेगा। और एक चीज जो आपने बताई कि सबसे ज्यादा प्रभावित जो आदमी होता है वो किसी विचार से होता है, मतलब आदमी नक्सली भी बन सकता है और आदमी साधु भी बन सकता है। तो वो मतलब मैं अलग हूँ शरीर अलग है और शरीर जो है कहने सुनने का माध्यम है, ये भी एक बहुत क्लैरिटी बनी। कल धीरे धीरे शांति से बैठे और इन सारी बातों को याद कीजिए और अपने शरीर को और अपने आप को फील कीजिए, छू के देखें ऐसे प्यार से, है ना। तो आपको जैसे जैसे फील, जैसे जैसे ये सूचना आपके भीतर स्थिर होती जाएगी तो अपने से ही जिन चीजों के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये बहुत कोई दूर की चीजें हैं वो आपको नजदीक लगने लगेंगे, वो आपको सच्चाई लगने लगेगी, थोड़ी सी यात्रा। हाँ जी, हाँ बेटा। भैया आपने बताया था कि क्षमा तेरे विषम की ओर और विषमा तेरे क्षम की ओर, तो वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, क्षमा तेरे विषम की ओर विषमा तेरे क्षम की ओर कौन समझाएगा, कौन समझाएगा, हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाएं जो जो समझा सकते हैं। मैं देख तो लूँ कितने लोगों तक पहुँच रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच, चलो शिल्पा बेन बोलेगी माइक तो।
समा अतिरेक, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समा अतिरेक विषम की ओर, मतलब वो पॉजिटिव है बट अगर कॉम्पिटिटिव वे में करेंगे हम तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, मतलब आप एक नेगेटिव उसमें जाओगे। और जो विषम अतिरेक है, जब आप ओवर किसी भी चीज़ का करते हो तो वो एक मतलब जैसे कोई भी आप युद्ध की उसमें हो या कुछ भी नेगेटिव वे में हो, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करोगे तो आप एक पॉइंट ऐसा होता है जब आप समा की तरफ मतलब पॉजिटिव वे की तरफ जाते हो। कोई एग्जांपल हो सकता है? कोई एग्जांपल जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई कुछ चीज़ बना जैसे कुछ चीज़ बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि उसने ऐसा करा, मतलब जैसे घर बना रहे हैं या कुछ भी, आप कुछ भी चीज़ ला रहे हो कि फ़ोन ही ला रहे हो सपोज कि उसके पास ऐसा है, तो आप क्या करोगे कि मतलब अपनी एक्स्ट्रा मतलब जो इनकम है उससे जाके करोगे, मतलब पॉकेट में नहीं है बट आप उसे ज़्यादा करोगे तो उसमें क्या आप लॉस की तरफ जाओगे, तो वो डिस्ट्रक्शन है, वो आपके लिए ही नुकसानदायक है, तो वो डिस्ट्रक्शन हो गया आपका। और ऐसे कभी कभी ऐसे ओवर जाके किसी भी चीज़ को कर दिया आपने कि मतलब किसी से बोल रहे हो कुछ भी करो, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया, तो आपको खुद ही एक पॉइंट पर रियलाइजेशन होगा गलत होगा, तो आप खुद सम की तरफ जाओगे, मतलब पॉजिटिव वे की तरफ जाओ। हुआ है, अच्छा हुआ है, थोड़ी और गुंजाइश। हाँ जी, और कौन बोलेगा? मैं बोलूं एग्जांपल सिर्फ लास्ट? हाँ, एग्जांपल दूंगी सिर्फ। ज्यादा करके अभी शिविर में सबको पता है मैं खाने पीने की शौकीन हूँ, तो मैं वही एग्जांपल दूंगी सम और विषम का। गुड गुड। ओके, सम में सभी भूख नहीं लगी है तो भी हम लोग चलो डाबेली देख ली, थोड़ा खा लिया और खा लिया, तो मैं सम से जाऊंगी विषमता की ओर कि बहुत खा लिया फिर क्या होगा, मुझे उल्टी होगी या मेरा पेट साफ हो जाएगा, तो बहुत विषमता वापस मुझे सम की ओर लेके जाएगी। और मैं दूसरी बार खाने के टाइम पे सोचूंगी कि मुझे विषम की ओर जाना है कि मुझे सम रहना है, तो ये शायद आपने जानबूझ के ये एग्जांपल चुना है शायद क्योंकि वो मैं तभी समझ गई कि ये मेरे लिए बराबर रिलेट हो रहा है। मतलब भोजन करना शरीर के लिए, सम का मतलब क्रिएशन और विषम का मतलब डिस्ट्रक्शन। तो सम का मतलब है कि भोजन करना शरीर के पोषण के लिए हमारी जरूरत है, लेकिन स्वाद के लिए भोजन करना का मतलब है सम का अतिरेक हो गया, सम ज्यादा हो गया। अब वो ज्यादा भोजन पेट खराब करेगा, जो भी कुछ आगे प्रॉब्लम करेगा, तो वो विषम की ओर चला गया। और जब मैं विषम से तंग आ जाऊंगा तो फिर मैं अब ध्यान दूंगा, नहीं नहीं अब मेरे को बिल्कुल टेक के खाना है और बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक से रहना है, तो मैं फिर दोबारा सम की ओर चल देता हूँ, फिर स्वाद के चक्कर में फिर विषम की ओर चल देता हूँ और फिर दोबारा वही साइकिल होती है। कई बार ये साइकिल होने से कोई एक पॉइंट आता है जब ये रजिस्टर हो जाता है कि ये स्वीकार हो जाता है, अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। ये साइकिल कई बार रिपीट होता है, हो सकता है 1000 बार हो जाए, लेकिन हो सकता है 1015वें बार पे जब ये साइकिल रिपीट हुआ तो जीवन में इस बात की स्वीकार्यता बन गई, नहीं ये ठीक नहीं है, वहां के बाद वो कंट्रोल हो गया। तो कोई मोमेंट आता है जब हम भ्रम की समीक्षा के लिए अपने में पर्याप्त मनोबल जुटा लेते हैं, पर्याप्त बार वो सूचना बार बार अपने पास आ जाती है और कोई पॉइंट पे वो सूचना हमारे भीतर रजिस्टर हो जाती है, जीवन में निष्कर्ष है पर स्वीकार नहीं हुआ है, तो बोलने में आएगा जीने में नहीं आएगा, कोई पॉइंट के बाद वो स्वीकार हो जाएगा, उसके बाद वो जीने का पार्ट हो जाए, स्वीकार होते ही जीने का पार्ट हो गया, जीवन का यही महिमा है, जैसे स्वीकारा वो जीने का पार्ट हो गया। मकान का एग्जांपल आप ले रहे थे, तो मेरे को मकान बनाना है ये क्रिएशन है, अब पड़ोसी को चमकाने के लिए मकान बनाना है, अब गई भैंस पानी, अब पता चला अपने बजट से 2 गुना चला गया, अक्सर मकान बनाते हैं बजट का 2 गुना होता ही है, और यदि पड़ोसी के चक्कर में आ गए तो 3 गुना होना ही है। अब 3 गुने की किस्तें आपको पटानी है, उसके लिए पता चला घर में क्लेश हो रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, विषम में चला गया, फिर आप फिर वो सम में कब जाएगा पता नहीं। तो ऐसे हमारी पूरी जिंदगी को देखेंगे, है ना, चाहे हम मेकअप वाली साइड में जाएं, चाहे हम गाड़ी की साइड में जाएं, हम पद की साइड में जाएं, किसी की भी साइड में जाएं, जब भी हम सम का अतिरेक, ये भौतिक में लागू होता है, ज्ञान में भी लागू होता है, ज्ञान में भी यदि हम दूसरों से आगे निकलना है, मेरे को उससे ज़्यादा समझना है,
ये भी फिर विषम की ओर जाएगा। तो जब भी हम सम का अतिरेक करेंगे, वो कंपैरिजन मोड में ही होता है, तो हम विषम की तरफ जाएंगे, और जब विषम में जाएंगे उसका दुख पाएंगे तो वापस घूम के सम की ओर आएंगे। और कोई मोमेंट ऐसा आता है जब सम से मध्यस्थ की ओर चले जाते हैं, तो सम का मध्यस्थ में कन्वर्ट हो जाना अध्ययन है। तो तीन गतियां हैं, सम विषम और मध्यस्थ, तीन गतियां हैं सम विषम और मध्यस्थ। सम का मध्यस्थ में कन्वर्ट हो जाना अध्ययन है। हाँ जी, आपने कल, हाँ आपने कल बताया कि कोमा में ब्रेन डेथ हो जाता है। कोमा में ब्रेन डेथ नहीं होता, कोमा का मतलब है कि ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, जीवन के सिग्नल का प्रसारण शरीर तक नहीं हो रहा है, शरीर का जीवन तक नहीं पहुंच रहा है। हृदय तो चालू ही होता है, हृदय चालू ही होता है, पाचन होता ही रहता है, सांस लेना चलता ही रहता है। तो कोमा से बाहर आते हैं तो ब्रेन ठीक हो जाता है, ब्रेन ठीक हो जाता है तभी कोमा से बाहर आता है। हाँ जी, इसका पढ़ा, बहुत पढ़ा, कई बार उसको समझने की कोशिश की कि जीवन में अच्छा या बुरा कोई चीज नहीं है, हर चीज का एक संतुलन है। हाँ। और उस संतुलन को पहचानना ही, बहुत बढ़िया, और संतुलन क्या है, प्रयोजन को पहचानना ही संतुलन है, न्याय धर्म सत्य ही संतुलन है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसका जो भैया ने पूछा समातिरेक विषम की ओर और विषमातिरेक विषम की ओर, दो उदाहरण मेरे पास है। आप सारे लोग चाय तो सारे लोग पीते ही हैं, अभी लगता है जो तो पीते हैं ना। अब अब अगर चाय पीने से पहले मीठा खा लीजिए और मीठा खाने के बाद पानी मत पीजिए, तो मीठा आपने थोड़ा सा ज्यादा खाया, विषमातिरेक हुआ, और फिर जब आप चाय पीने जाओगे तो वो भी आपको फीकी लगेगी। अनुभव ऐसा किया होगा आप लोगों ने। और दूसरा एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो सर कल आपने भैया दिया था कि यूरोप को देख लीजिए, आज के डेट में यूरोप बहुत ही शांत जगह है, सारे लोग जाके वहाँ बसना चाहते हैं, और शायद मिलिट्री का भी बहुत ज़्यादा वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और कभी हुआ करता था, मध्यकालीन इतिहास मैंने पढ़ा हुआ है, कभी हुआ होता कि जितनी भी घटनाएँ, युद्ध की घटनाएँ हम लोग पढ़ते थे, सब यूरोप के ही एरिया में पढ़ते थे। तो कभी यूरोप बहुत ज्यादा युद्ध वहां पे होता था, बहुत ज्यादा युद्ध यूरोप ने देखे, और आज की परिस्थिति यह है कि एकदम बिल्कुल शांति है। हाँ, मैं भी कभी कभी इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ कि गुजरात में जो महिला पुरुष में समानता है वो बाकी राज्यों से तुलनात्मक ज्यादा दिखाई देती है। तो कभी मैं सोचता हूँ कि शायद यहाँ पे कभी असमानता ज्यादा रही होगी, ऐसा था क्या? तो कभी ये महिला पुरुष की असमानता ज्यादा रही होगी, जिस पे ध्यान जाने के बाद ये समानता की ओर जोर से ध्यान गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अभी हम जो सीख रहे हैं वो अतिरेक से ही किसी बात को पकड़ते हैं, जब कोई चीज का अतिरेक होता है तब कोई बात को पकड़ते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, जैसे जैनिज्म में हम असंग्रह और अहिंसा की बात करते हैं, तो मेरे को लगता है कि हो सकता है उस काल में संग्रह और हिंसा बहुत रहा होगा, इसलिए इतनी जोर से अहिंसा और असंग्रह की बात करनी पड़ी। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, मतलब मेरा ये अनुमान ही है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस बात पे हमारा ध्यान जाता है कि यदि हमारी अपनी जिंदगी में हम देखते हैं तो बहुत सारी घटनाएं, ऐसे ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं जो परिवार में क्लेश से, मतलब परिवार में क्लेश हुआ, उसके बाद वो किसी शांति की तलाश में घर छोड़ के चले गए, ऐसा भी एक बड़ा वर्ग है भारत में। तो कहीं ना कहीं ये अतिरेक और आदमी की जिंदगी में कब जब भी कभी अतिरेक आते हैं तो उसको सोचने के लिए बाध्य करते हैं। हाँ जी, अब आगे चला जाए भाई। सुम भाई, हाँ नहीं, वो उसके उदाहरण को पूरा करेगी, क्योंकि हमारी कल्पनाशीलता आपके उदाहरण तक ही जा पाती है, उसके आगे नहीं जा रही है। जैसे यूरोप में युद्ध बहुत हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्होंने भाई जापान से बढ़िया एग्जाम्पल और क्या होगा, नागासाकी की घटना के बाद है ना, पूरे विश्व में ही एक तरह से उस समय थ्योरी बनी, यदि एटॉमिक वेपन सबके पास आ जाएगा तो विश्व शांति हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक वेपन को यूज करने का सोच नहीं सकता है। तो एटॉमिक वेपन केवल दूसरे को डराने के लिए ही है, क्योंकि एक बार यूज होना शुरू हुआ तो धरती सूरज बनेगी, इसकी संभावना ज्यादा है।
तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी अतिरेक में चले गए, एक्सट्रीम पे चले गए, तो एक्सट्रीम में जाने के बाद में एक्सट्रीम की निरंतरता नहीं है, इसलिए वापस हमको शांति का, जैसे अशोक का युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मरे कलिंगा वाला, तो वहाँ से वो बौद्ध धर्म शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि जब भी हम एक्सट्रीम में जाते हैं, इसलिए जागृति की बहुत अच्छी परिभाषा है, विकास परम और ह्रास परम का दृष्टा होना जागृति है। विकास परम और ह्रास परम, ह्रास का मतलब विकास का उल्टा, ह्रास परम और विकास परम का दृष्टा होना जागृति है। तो अभी हम भी अपने जीवन में जो नेगेटिव घटनाओं को फेस करते हैं, उससे हमारी वहन क्रिया बढ़ती है, उसका हमको लाभ नहीं होता, ऐसी बात नहीं। हम जो छोटी छोटी घटनाओं में घबरा जाते हैं, अपने जिंदगी में बड़ी घटनाओं को फेस करके, नेगेटिव घटनाओं को फेस करके हमारी हिम्मत बहुत बढ़ी, इससे अलावा क्या होगा, देख तो लिया आप सब कुछ है ना। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जो हम नेगेटिव को भी देखते हैं और पॉजिटिव को भी देखते हैं, दोनों का दृष्टा हो जाने का नाम जागृति है, तो दोनों के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं। नहीं भाई, इसको इसको और बताइए, जैसे युद्ध बहुत देखे, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, अब युद्ध नहीं करना है, शांति तरफ आए, ये तो विषम का अतिरेक सम की तरफ ले गया, सम की तरफ गया, अब सम का अतिरेक विषम, इसी उदाहरण में कुछ बन सकता है क्या? हाँ, कैसे? जैसे अब उनको युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, पर ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ, तो हथियार वाला युद्ध छोड़ के व्यापार वाला युद्ध शुरू हो गया, दूसरे की इकोनॉमी पे कब्जा करना, अपनी अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करना, WTO बना देना, पूरे वर्ल्ड में व्यापार करने के लिए, अपने लाभ के लिए पूरे वर्ल्ड को नियंत्रित करना, देशों को इतना लोन दे देना कि वो चुका ना सके, तो पूरे देश की संपत्ति अपने नाम कर लेना, वही धंधे वही पुराने हैं, पहले एक साहूकार किसान को इतना कर्जा देता है कि वो चुका ना पाए, फिर उसकी जमीन अपने पास रख के लिखवा लेता है। अब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी यही करती हैं, किसी देश को इतना फंड देना, इतना उधार दे देना कि वो उधार चुका ही नहीं पाएगा, फिर कहेंगे कि अच्छा तुम्हारा ये पूरा मिनरल हमारा हो गया, इसको अब हम यूज़ करेंगे, धीरे धीरे देश तुम्हारा हो गया। तो समा तेरे एक विषम की और विषमा तेरे एक सम। नहीं, जैसे तो युद्ध विषम था, उसके अतिरेक तो शांति तरफ आए, तो हथियार वाला युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ज्ञान उपलब्ध नहीं, इसलिए वापस वो विषम दूसरा युद्ध जा रहे हैं, व्यापार युद्ध की तरफ चल रहे हैं, व्यापार से युद्ध करेंगे। तो अब आपने कहा कि विषम के अतिरेक बाद सम आया, और सम का अतिरेक होगा तब वापस विषम आएगा, तो सम का अतिरेक पहले आ गया विषम, दोबारा सम का अतिरेक का मतलब है कि अब युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे का मतलब है हथियार नहीं बनाएंगे या उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन ठीक है अपनी जीवन शैली जियेंगे। जीवन शैली में क्या जियेंगे, मान तो उतना ही रखा है कि मैं शरीर हूँ, खुश होने का तरीका तो उतना ही है मैं शरीर हूँ, और शरीर के लिए फिर पैसे की जरूरत है, पैसे के लिए व्यापार की जरूरत है, व्यापार के लिए सबको लूटने की जरूरत है, फिर धीरे से विषम की ओर चल दिया। अच्छा, ओके, एक बात और, मैं 54 का हूँ, तो मुझे कल आपकी बात से रियलाइज हुआ कि जैसे इच्छा ही रहती कि हमेशा जवान ही बने रहे, अभी भी इच्छा खत्म नहीं हुई हो। तो आपने जब कल कहा कि 20 साल बाद आप भी किसी बुजुर्ग की तरह होंगे, तो जब भी कोई बुजुर्ग देखता था तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं वैसा होऊंगा कभी, लेकिन अभी वास्तविकता तो है। अब मैं किसी बुजुर्ग को देखता हूँ तो मेरे को उस पर बहुत प्यार सा आता है, अपनापन सा लगता है, क्योंकि अब वही जाना है, ये मेरा भविष्य। तो अब मैं भी, हकीकत है मुश्किल तो हो रही स्वीकार करने में, 20 साल बाद बाबूजी की तरह होऊंगा मैं, वास्तविकता है। तो ऐसे में वो जो एक कल गीत चल रहा था सुबह, उठ जाग मुसाफिर, तो पहली बार मुझे लगा वास्तव में मनुष्य एक मुसाफिर के रूप में इस धरती पर आया है, 60-80 साल जो भी जीवन होगा उसको हम 4 दिन बोलते हैं, वास्तव में 4 दिन बाद जाना है। तो ऐसे में हमारा भाव वही रहना चाहिए जैसे मेहमान के रूप में किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, और मालूम है हमेशा तो रुकना नहीं है, वो हमसे भोजन का पैसा नहीं ले रहा है, रहने का पैसा नहीं ले रहा है, तो कृतज्ञता भाव रहता है वहाँ रहते हुए भी बाद में भी। तो वैसे ही अपनी भूमिका एक मुसाफिर रूप में देखना ही ठीक होगा, जिससे कृतज्ञता भाव बना है, फिर हमारी उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी। हाँ भाई साहब, इतना है धरती पे कि सबके लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाए और फिर भी बचा रहे, वो जो मिसयूज और मिसमैनेजमेंट और संग्रह है उसमें परेशानी है।
तो थोड़ा तो समझ में आता था कि इसे ग्रेजुएशन व पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पर्याप्त इस जीवन के लिए, जिंदगी के लिए। और खाली पैसा कमाते कमाते व्यापार करते करते एक दिन चले जाए तो ये भी अधूरापन है जीवन का। कुछ और आयाम होते होंगे, डायमेंशन होते होंगे मनुष्य जीवन के, वो यहाँ आके समझ में आया। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने आप को मुसाफिर मानना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है, कि वो ज़्यादा संग्रह भी नहीं करेगा, उसको मालूम है जाना भी एक दिन। तो एक गाना भी बनाना चाहिए इस पर, आदमी मुसाफिर है। बहुत कुछ बना है अपना ध्यान जाए तो। हाँ जी भाई, एक थोड़ी मतलब ये क्लैरिटी मुझे चाहिए थी, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। ये क्षमता, सम का अतिरेक विषम की ओर, विषम का अतिरेक सम की ओर, तो मतलब हुआ कि नहीं, मतलब ये लोलक वाला है जो मतलब कहानी करते रहे और मुद्दा मुद्दे ही छूट गया। अब एग्जांपल तुमको देना है। जो पेंडुलम है वही एक बार जाता है फिर आता है, तो मतलब जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वही, मतलब यही है, एक बार अध्यात्म की ओर एक बार भौतिकवाद की ओर। यस, मतलब वही प्रवृत्ति निवृत्ति ना, प्रवृत्ति निवृत्ति, पता नहीं क्या बोल रहे हो, पर मतलब समाज एक बार खूब प्रवृत्त हो गया था, फिर वहां से लौट के फिर मतलब सन्यास की ओर चल गया। ये आदमी, ये हमारी जिंदगी में सुबह शाम होता है, हम सुबह अध्यात्म में होते हैं, शाम को भौतिक भोगवाद में। ये तो मोमेंट था क्या? हाँ जी, पूछ सकता हूँ? जैसे आपने अभी बताया कि अभी सम की और जो व्यापार का जो पूरा पृथ्वी की जो व्यवस्था है, जैसे मैंने आपसे शेयर भी किया था कि करेंसी मार्केट और शेयर बाजार का जो रिपेटरी सिस्टम है FII के लिए, तो क्या वो व्यवस्था मेरे किचन या मेरे जीवन या मेरे घर तक उसकी असर आती है? और उस वक्त मैं जीवन विद्या की ट्रेनिंग का किस तरह उसको उपयोग करके उसका संतुलन बनाने का प्रयास? मैं आपकी बात से तौर पे मैं खड़ा हूँ, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। देखिए, कुछ तार ऐसे हैं, इनका ये कहना है कि वर्ल्ड में जो करेंसी का लोचा है वो इतना बड़ा है, और कुछ मान लीजिए कुछ कंट्रीज या कुछ लोग मिलके उसको जैसा नियंत्रित करते हैं, तो किसी के यहाँ की करेंसी की कीमत इतनी कम कर देते हैं कि वो आप कुछ भी कर लो, तो उसने जो वो सकिंग पंप है ऐसा सेट किया हुआ है कि आप हाथ पैर जितने मारना है मार लो, जो करना है कर लो, जो मलाई है वो उधर ही जानी है, ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है। मेरे 200 आलू के सामने मुझे एक टमाटर। हाँ, तो मेरा ये सोचना है कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे व्यक्तिगत पहुंच में हैं, जैसे मेरा भाव और विचार स्टेबल हो जाए, इसमें कोई करेंसी मेरे को नियंत्रित नहीं कर रही है काफ़ी हद तक। जी, काफ़ी हद तक। मेरे परिवार के संबंध अच्छे रहें, इसमें कोई करेंसी मेरे को नियंत्रित नहीं कर रही, एक समझ का मामला। भौतिक आवश्यकताएँ थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनको अपनी जॉब में प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन प्रमोशन मिलने का मतलब था कि उनको शहर से शिफ्ट होकर किसी दूसरे शहर में जाना है, और उनको लगता है कि मैं इस ग्रुप के साथ मिलकर बहुत उपयोगी काम कर रहा हूँ और मेरे को इसमें मजा आ रहा है, तो उसने वो प्रमोशन नहीं लिया। हमारे ऐसे भी कई सारे मित्र हैं जो जिनको महीने का 2-3 लाख का सैलरी मिलता था, और इस प्रोसेस में आने के बाद उनको लगा कि 2-3 लाख की मेरी ज़रूरत भी नहीं है, और मुझको कुछ टाइम अपने लिए और इसको समझने की ज़रूरत है, तो कंपनी में बात करके उन्होंने 3 वीक काम करूँगा, 1 वीक ऑफ करूँगा। फिर उन्होंने किया कि 15 दिन काम करूँगा, 15 दिन ऑफ करूँगा, सैलरी मेरी कम कर दो। तो अपनी सैलरी कम करवा ली और अपने लिए समय निकाल लिया और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बना लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक बार मेरे को ज़िंदगी में प्रायोरिटी क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है वो समझ में आता है, तो मैं भौतिक चीज़ों को कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे को ये समझ में आया कि यदि पति पत्नी के बीच में हारमनी है, तो पत्नी वो चीज़ है जो कुबेर के खजाने में गरीबी दिखा दे और कितनी भी गरीबी में परिवार चला दे, वो ताकत पत्नी के पास है यदि दोनों में हारमनी है। तो यदि हमारी ये क्लैरिटी बनेगी तो हमको इतना बड़ा कुशन उपलब्ध होता है फिजिकल वर्ल्ड को लेके,
कि हम अपनी परिस्थितियों में अपने जीने की जगह बनाते हैं, और वो परिवार इतना उपयोगी होता है दूसरों के लिए कि दूसरों के लिए भी वो कुशन बनाता चला जाता है। और फाइनली यदि इसके विस्तार को हम बड़े कैनवस पे देखेंगे, जैसे मैं अभी कहता हूँ कि दिल्ली का छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसके टच में आए। महाराष्ट्र के एजुकेशन सेक्रेटरी नंद कुमार रहे, उन्होंने एजुकेशन में महाराष्ट्र में बड़ा काम किया, और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। दिल्ली का एक छोटा एग्जाम्पल है ना, मनीष भाई कभी 2007 में टच में आए और उस आदमी को कुछ क्लैरिटी बनी, संयोग से सरकार आ गई। तो एक व्यक्ति को समझ में आया तो उसने एक स्टेट को प्रभावित कर दिया, स्टेट को ही प्रभावित नहीं किया, पूरे देश में शिक्षा चर्चा का विषय बन गई। ये एक व्यक्ति का एफर्ट से हो पाया। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपने प्रभाव क्षेत्र सहित है। हमको नहीं पता है कि सभा में बैठे होने वाला कोई आज 24 साल का लड़का कल क्या होने वाला है, 24 साल की बेटी कल क्या होने वाली है। तो इसका मतलब है कि आज जिन लोग संसार को नियंत्रित कर रहे हैं अपने किसी रूप बल धन पद की मानसिकता के आधार पर, कल उनमें से भी किसी तक कोई बात पहुंचेगी या इनका सम्मिलित प्रभाव का असर कोई पहुंचेगा, तो फाइनली आदमी आदमी है, वो सुखी होना चाहता है। आज भी जो कुछ कर रहा है किसी सुख की तलाश में कर रहा है, जिससे कि वो सुखी होने वाला नहीं है। उसकी भी, उसके पास भी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। गलती करने वाले से पूछो कि तुम गलती क्यों कर रहे हो। ऐसे कई सारे डाकू या मर्डरर से जब बात होती है तो वो कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। हम कई सारे सीएम या कई सारे मंत्रियों से भी बात करते हैं तो वो क्लियरली कहते हैं कि आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, बोल रहे हो, यही ठीक है, हम जो कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, सत्ता में रहने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। वो डाकू कहता है कि अब ये करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये नहीं करूंगा तो बाकी मेरे को निपटा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये भरोसा धीरे से आ जाए कि अंततः आदमी आदमी है, वो निरंतर सुख की तलाश में है, वो समाधान पूर्वक ही जीना चाहता है, वो भी अपने संबंध में तृप्ति के साथ जीना चाहता है। यदि वो रूप बल धन पद के पैड पे है तो ये सब करते हुए भी उसके जीवन में अतृप्ति रहेगी ही, उसके परिवार में संबंध की तृप्ति हो नहीं सकती। ठीक है, सत्ता का खेल अपनी जगह चलता है, फाइनली परिवार का बिखराव अपनी जगह चलता है। तो इस सब का सम्मिलित प्रभाव या उनमें से किसी को समझ में आएगा, चीजें अपने आप रिलीज हो जाएंगी। हम उनके नियंत्रण से रिलीज हो जाते हैं ये हमको पता है। आज यदि मैं अपने परिवार के साथ इस बात को समझा हूँ तो मेरे परिवार में एक दूसरे के साथ समझने जीने का ताना बाना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का ताना बाना, और खासकर भारत जैसी परिस्थितियों में जहाँ हमारे पास इतना सारा जंगल, इतना सारा जमीन, मिनरल मेटल सब कुछ उपलब्ध है, यदि और हमारे गांव इतने सुंदर हो सकते हैं, यदि हमको ये बात समझ में आएगी तो हमारा तो हर गांव स्वर्ग हो सकता है, उसकी तमाम आवश्यकताएं वहीं पूरी हो सकती हैं। हमारा गांव अपने आप में एक वायबल यूनिट है। केवल मामला समझने की बात है। यदि केवल गाँव में पूरी समझ फैल गई तो पता चला है गाँव में बाहर से कुछ आ ही नहीं रहा है, सब वहीं पूरा हो जा रहा है। जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया उस इकोनॉमी से जिसकी हम बात करते हैं। जी, ठीक है। तो ये सारे प्रभाव आने वाले समय में आने वाले हैं। ये आने वाले हैं। तो केवल इतनी ही दूर है जितना दूर हमारी समझ में दूर है। ये कितना दूर है? जितना आपको पूरा समझने में देरी है, बस उतनी ही देरी है। बाकी काम हो जाए। आदमी की ताकत बहुत बड़ी अभी है। क्योंकि ये संवाद, यदि बेवकूफी की ताकत इतनी है तो समझदारी की ताकत कितनी होगी। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये है कि बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काफ़ी कुछ फ्री, जैसे जीवन विद्या है उस तरह उनका भी फ्री नॉलेज और इकोनॉमी और फ्री नॉलेज के ऊपर जाना हो रहा है। जैसे इलॉन मस्क ने बोल दिया कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा और बिल गेट्स वैक्सीन को प्रमोट कर रहा है, वो एक ऐसे ही एग्जाम्पल है। और पर फिर भी ऐसा हो जाता है कि संवाद पे कई बार घर के संवाद में ऐसा बन जाता है कि बेटा पूछता है कि हमने कोई गरीबी का ठेका लेके रखा है, ये मेरे गरीबी का ठेका नहीं है, तो बहुत रईसी वाला काम है, समझ में आने भर की देर है। रईसी गाड़ियों में नहीं है, रईसी किसी मकान में नहीं है, रईसी तो अपनी थॉट प्रोसेस में है, रईसी तो अपनी कल्पनाशीलता में है, रईसी तो अपनी उपयोगिता के विस्तार में है। अभी एक्चुअल रईसी पकड़ में कहाँ आई? तो जैसे जैसे वो कुछ लोगों को भी आज भी पूरे इतिहास में उठा के देखेंगे, मात्र कुछ लोग हैं जो संसार को उठा के जंगल युग से यहाँ तक ले आए, उनकी संख्या हो सकता है 400-500 ही है। तो रईसी तो वो है जो पूरे संसार को प्रभावित करती है, और ऐसे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। 200-500 भी हो गए तो संसार के लिए पर्याप्त। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी।
यहाँ पे छोड़ा था कि व्यवस्था में चेतन इकाई और जड़ इकाई है, इकाई आई कहाँ से? चलो जीवन में जहाज खोलते हैं, जहाज अस्तित्व में जीवन आया कहाँ से? ओ, ना ये आता ना ये शिविर करना पड़ता। चलिए, तो कल जितनी बातचीत हमने की है उसमें से जो निकला है, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि जैसे यदि हम साइंस में बात करते हैं तो हम नॉन लिविंग की बात करते हैं और लिविंग की बात करते हैं। लिविंग की बात करते हैं तो उसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव तीनों आ जाते हैं। अब हमारी ये भी क्लैरिटी बनती है कि जब हम साइंस में लाइफ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? सेल मल्टीप्लिकेशन को हम लाइफ बोल रहे हैं, है ना? सेल्स का मल्टीप्लाई होना और सेल्स का सांस लेना, इसको साइंस में हम लाइफ बोल रहे हैं। साइंस में क्या अधूरापन है? जो जीवन नाम की एंटिटी है उसको साइंस नहीं पहचानता है। ठीक, अब हम एक बार एक तो ये देखना है कि यह जो चार भाग में कैटेगराइजेशन किया है, पदार्थ प्राण जीव और ज्ञान, तो इसका क्या मतलब है और इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है? दूसरा, इस चार्ट को देख के ये भी ध्यान में आता है कि पेड़ पौधे शरीर को वो जीवन नहीं चलाता है जो मैं हूं, तो ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि किन शरीरों को जीवन चलाता है और किन शरीरों को जीवन नहीं चला सकता है। और बहुत सारी हमारी अपनी थियोरीज हैं, तो एक हमारी क्लैरिटी बनेगी कि फिर जीवन है ना, पूरे अस्तित्व में जीवन एकमात्र एंटिटी है जो सुखी दुखी होता है। चलिए थोड़ी सी आपसे और बात कर लेता हूं। कितने लोग हम में से ये मानते हैं कि पेड़ पौधे, जैसे मानव सुखी दुखी होता है ऐसे पेड़ पौधे भी आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं? बड़े हो गया, हाथ उठाने में संकोच ना करें, गुड। तो पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं और आप कितना हंसते हंसते टमाटर के पेट में चाकू डाल देते हैं, और बैंगन की तो खैर नहीं, भरता बना देते हैं उसको, और कुकर में मिर्ची डाल डाल के गरम तेल में उबाल उबाल के, तो वो कितने दुखी होते होंगे? तो आप सभी लोग हिंसक लोग हैं कि अहिंसक लोग हैं? जोर से बोलो, आप सभी हिंसक लोग हैं। और किसी जीव को दुख देना पाप है, तो आप सभी कैसे लोग हैं? पापी भी हैं। हाँ बोलो। हाँ जी, तो बोलिए। बोले खावा माटे तो करना ही पड़ेगा, खावा माटे करना पड़ेगा। और आप किसी के घर गए, उसने देखा, आपको देखा, बोले हफ्ते भर का नाश्ता तो ऐसे ही पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कम से कम हम जैसा जाएगा तो भी बच जाएगा, बोले हड्डियों के सिवा कुछ निकलेगा नहीं, तो खावा माटे का नियम तो काम नहीं करेगा। तो बताइए आप सब लोगों का अपने बारे में क्या ख्याल है? कितना अंतर्द्वंद है हमारी जिंदगी में कि एक तरफ हम मानते हैं कि पेड़ पौधे आंशिक रूप से सुखी दुखी होते हैं और फिर हम उसको मिर्ची और भजिया और तल तल के खाते हैं और चाकू ना क्या क्या इस्तेमाल नहीं करते, वो कद्दूकस रहता है ना जिसमें घिस घिस के है ना, है ना, हलवा बना देते हैं। अब सोचो कोई आपको कोई कद्दूकस पे घिसे, उसको बनाया ही हमारे लिए।